आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। ना आने का कोई कारण नहीं है, मतलब एक तरह से वो आउट है, पेपर में आएगा जरूर। जैसे 25 क्वेश्चन आपके आने हैं जीएलओ में, तो 25 एविडेंस एक्ट के हैं और 25 में अदर टू माइनर्स रहेंगे। तो ये मान लो कि एक क्वेश्चन इस टॉपिक में जरूर आएगा जो आज हम पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल अपना करेंगे, जब भी कहीं काम का मौका मिलेगा तो भी इसमें से आपको रोजाना काम में रहेगा। ये ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ हमारे एकेडमिक्स में ही पढ़ने में काम आता है। सेक्शन 17 पढ़ा था, तो सेक्शन 17 में एविडेंस एक्ट के में आपने एक शब्द पढ़ा था जिसका नाम था एडमिशन या स्वीकृति, है ना? ये शब्द आप लोगों ने पढ़ा था, एडमिशन या स्वीकृति। एडमिशन या स्वीकृति में आप लोगों ने पढ़ा, जो उसमें ये पढ़ा कि ये एक तरह के स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट किस तरह के हैं कि इस बात का अनुमान दिलाते हैं, इस बात का इन्फ्रेंस कराते हैं कि या तो फैक्ट इन इश्यू विवादक तथ्य या रेलेवेंट फैक्ट तथ्य से संबंधित हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि जो सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन 18, 19, 20 वाले व्यक्तियों ने किए हों और 18, 19, 20 वाले सिचुएशन में किए गए हों, ये इसकी डेफिनेशन थी। जैसे ही सेक्शन 24 में गए तो एक नया शब्द हमारे को समझ में आया जिसका नाम था संस्वीकृति। स्वीकृति की जगह पर संस्वीकृति नाम आ गया, और इंग्लिश में कन्फेशन आ गया। देखो, आपने ये शब्द सुना होगा, फिल्मों में तो खूब सुना होगा, चर्च वगैरह में जब जाते हैं कोई आदमी अपने कोई गलती कर देता है तो उससे पादरी कहता है, यार कन्फेस कर ले, भगवान से क्या छुपाना, कहते हैं ना कन्फेस कर ले। तो अपराधों को कन्फेस करना, अपराधों के बारे में, तो वही बात यहां है, ये अलग नहीं है, वही है कि कोई आदमी अपने अपराध को करना स्वीकार ले। अपराध को करना यदि कोई स्वीकार लेता है तो कन्फेशन है। तो एक तरह से हो क्या गया, एडमिशन और कमिट क्राइम। इसका मतलब क्या है कि द पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस एडमिटिंग दैट फैक्ट कि यस आई कमिटेड दिस ऑफेंस विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी रीजन। ऐसा एग्जाम्पल से समझिएगा, एक व्यक्ति, एक ए है, ये डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब मेरे पलस्तर कर दीजिए, एक्सरा कर दीजिए, मेरी बांह टूट गई है। बोले बात क्या हो गई थी? बोले बात तो कुछ नहीं हुई थी,
रास्ते में आ रहा था, दो लोगों में आपस में लड़ाई हुई और बीच बचाव में मार तो उस दूसरे व्यक्ति को रहा था, लेकिन मैंने बचाव में हाथ उठाया तो मेरे हाथ में उसका लठ लग गया, जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया। ये कुछ स्वीकार कर रहा है, क्या घटनाक्रम हुआ, लेकिन वो ये नहीं स्वीकार कर रहा कि मैंने कोई अपराध किया। वो स्वीकार कर रहा है कि ये सिचुएशन थी जिसमें ऐसा हुआ, सिचुएशन को स्वीकार कर रहा। बात समझ ना, ही इज एडमिटिंग द सिचुएशन। व्हाट आई एम सेइंग, ही इज एडमिटिंग द सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन को स्वीकार कर रहा है। तो ये कन्फेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, ये एडमिशन ही है। कन्फेशन कब हो जाता, वो कहता डॉक्टर साहब मेरे बांह में लग गई है, टूट गई है। बोले क्या हुआ था, बोले हुआ तो ये था कि रास्ते में आ रहा था, एक लड़के से लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो उसने लठ मारा, पर मैंने भी कोई कम नहीं किया, उसे ठिकाने ही लगा दिया। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, कन्फेशन हो गया। तो दोनों चीजों में अंतर समझ में आया आपके, जहां अपराध के करने को कोई स्वीकार करे तो वो क्या कहलाता है, कन्फेशन। कोई भी आदमी अपराध को आसानी से स्वीकार नहीं करता। आपने देखा ना, लोग कहते हैं कि पुलिस ने रिमांड पे ले रखा है उसको, पुलिस ने रिमांड पे ले रखा है। प्रश्न उठता है कि ये रिमांड है क्या, कहते तो है ना रिमांड पे ले रखा है, लेकिन ये रिमांड होती क्या है। रिमांड का मतलब है वापस, रिमांड का शब्द का मतलब क्या है, वापस। किसको वापस, जो लाया है उसी को वापस। क्यों क्यों वापस, देखो हम और आप ये बात जानते हैं कि सीआरपीसी पुलिस को सिर्फ 24 घंटे के भीतर भीतर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की अनुमति देती है। कितने टाइम की देती है अनुमति, ओनली 24 आवर्स, मतलब यू विल हैव टू कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में ही करना है। जब पकड़ा आपने उसके 24 घंटे के भीतर भीतर यू आर टू कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशन, यू कुडंट कंप्लीट, नहीं हो पाया, तब दिस इज योर ड्यूटी, यू विल हैव टू प्रोड्यूस दैट अक्यूज्ड टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, सॉरी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल देन यू मे प्रोड्यूस बिफोर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑल्सो। दोनों की स्थितियां हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी पेश कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं अवेलेबल है तो पेश कर दिया। पेश कर दिया तो ये बताया कि दैट पर्सन कमिटेड दिस ऑफेंस, दैट पर्सन कमिटेड दिस ऑफेंस बट वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट आवर इन्वेस्टिगेशन विद इन 24 आवर्स। हम ये एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करना था वो हम कर नहीं पाए, प्लीज गिव एन ऑर्डर, एक आदेश दे दीजिए जिसमें हमें 15 दिन के लिए इस आदमी को और दे दीजिए। ये मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, वो 15 दिन के लिए दे, 1 दिन के लिए दे, वो वापस उसे 1 दिन के लिए दे देगा।
तो पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम क्या है? पुलिस का मेन काम है कि उस व्यक्ति से एविडेंस कलेक्ट करे। यदि उसने एविडेंस कलेक्ट नहीं किए तो केस तो एविडेंस के आधार पे डिसाइड होगा ना। एविडेंस कलेक्ट नहीं करते हो तो कुछ होगा नहीं, छूट जाएगा, मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज ही कर देगा उसको। शुरुआत में डिस्चार्ज करते हो, उन्हें क्या करें, हटाओ इसको। तो चीज को साबित करने के लिए आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। क्या होने चाहिए? एविडेंस होनी चाहिए। अब चूंकि उसने कोई अपराध कर दिया तो उसके संबंध में सबसे ज्यादा कौन जानता है? उस अपराध के संबंध में सबसे ज्यादा जानने वाला व्यक्ति कौन है? दो ही जने हैं, दो जने हैं ना, कौन कौन? एक तो अस्तित्व, क्या चीज? अस्तित्व बताया था ना, अस्तित्व क्या चीज है? अस्तित्व। अब अस्तित्व के पास होती हैं चीजें, अस्तित्व हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने कुछ देर पहले कुछ बोला, अस्तित्व ने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने आपसे फोन पे बात की, अस्तित्व ने रिकॉर्ड कर लिया है। एक तो अस्तित्व के पास है, हर चीज अस्तित्व में है। दूसरा कौन जानता है? जिसने अपराध किया वो कौन जानता है? जिसने अपराध किया वो। तो पुलिस जब अपराधी को लेके जाती है तो सबसे पहला टारगेट उसी से करती है, भाई बता तूने अपराध कब किया, एविडेंस दे। तो कोई आदमी एविडेंस देगा क्या? आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो वन शैल कंपेल टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को उसी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन मना कर दिया, बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इफ ही इज इंटरेस्टेड, यदि वो इच्छुक है तो दे दे, जबरदस्ती नहीं। इसका मतलब क्या? रिमांड के टाइम पे मारपीट करने का कोई प्रोविजन है? क्या पुलिस मारपीट कर सकती है? मारपीट का कोई प्रोविजन नहीं है, पुलिस मारपीट नहीं कर सकती। यदि पुलिस मारपीट करती है तो उसके लिए, मारपीट करके कन्फेशन कराना चाहती है तो उसके लिए प्रोविजन है, उस व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की 330 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्या दर्ज हो जाएगा? 330। थप्पड़ मारेगा, मारपीट करेगा तो वो खुद फंस जाएगा। 330 में कंप्लेंट आ जाएगी मजिस्ट्रेट के सामने, हमें मारपीट की थी इन्होंने रिमांड के टाइम पर, कन्फेशन कराना चाहते थे, तो वो अपराध है। तो फिर व्यक्ति कैसे बताएगा? उसको पुलिस के पास भेज देते हैं तो उसे पुलिस बार बार पूछती है, अच्छा बता दे, ये कर दे, वो कर दे। यदि वो पुलिस को कहता है हाँ जी मैं बताने के लिए तैयार हूं, वो स्वीकार कर रहा है किसको? अपराध के करने को। और उसी को क्या कहेंगे? कन्फेशन। तो कन्फेशन हर स्थिति में रेलेवेंट नहीं है। कैसा नहीं है? रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि रेलेवेंट होगा तो एविडेंस है, और रेलेवेंट ही नहीं है तो देर इज नो एविडेंस, वो एविडेंस ही नहीं है। एविडेंस होने के लिए क्या जरूरी है? वो रेलेवेंट होना चाहिए, और रेलेवेंट नहीं है तो वो एविडेंस नहीं। उसके लिए सेक्शन 24 से लेके सेक्शन 30 तक का ये पार्ट है, मुझे बताता है कि कन्फेशन कब रेलेवेंट है और कब रेलेवेंट नहीं है। क्या बताता है? कि कन्फेशन कब रेलेवेंट है और कब रेलेवेंट नहीं है। तो रेलेवेंसी ऑफ कन्फेशन बताता है। ये वो पार्ट है जिसमें थोड़ी सी सीआरपीसी कुछ पूछती
पोर्शन मैंने अभी जो आपको बोला वो सीआरपीसी का भी था, अभी भी सीआरपीसी भी कुछ चलेगी इसमें। कन्फेशन अर्थात अपराध का करना स्वीकारता है तो तीन जगह स्वीकार कर सकता है। एक तो पुलिस को ही कहता है, तो पुलिस के संबंध में ये मान लिया कि भारत की पुलिस अंग्रेजों के जमाने से जब एविडेंस बना तभी भी, और दुनिया की पुलिस से लोग डरते हैं और पुलिस बर्बरता करती है, तो पुलिस को जो कोई स्वीकार कर रहा है तो वो डर से कर रहा है। डर से अपराध स्वीकार करने की बात नहीं, जैसे अपराध स्वीकार करने के लिए भगवान के सामने यार भगवान से डरो, तो भगवान से, भगवान कोई आदमी तो है नहीं, भगवान के सामने स्वीकार कर लेते हैं। और चूंकि स्वीकार इसलिए भी कर लेते हैं कि भगवान का मतलब एविडेंस में, भगवान का मतलब क्या है? अस्तित्व। एविडेंस एक्ट में भगवान का मतलब क्या है? अस्तित्व, एक्सिस्टेंस। क्या चीज है? तो एक्जिस्टेंस को तो सब कुछ पता है ना। तो कन्फेशन के लिए दूसरा तरीका है कि जैसे ही कोई आदमी जब पुलिस के सामने कही हुई बात को रेलेवेंट नहीं मानते तो कहा कि भाई ऐसा करो, इसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ और मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार करे, तो मजिस्ट्रेट उससे कहेगा देखो भाई तुम्हें ये कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की इट इज द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू से हिम नो नीड टू कन्फेस योर ऑफेंस। इफ यू आर कन्फेसिंग बिफोर मी इट शैल बी काउंटेड अगेंस्ट यू, ये आपके विरुद्ध माना जाएगा, ध्यान रखना आपके विरुद्ध साक्ष बन जाएगा, वो ये चेतावनी देगा। और फिर भी वो कहता नहीं नहीं जी मुझे तो स्वीकार करना है, मैं तो बहुत गिल्टी महसूस करता हूं, और फिर वो स्वीकार कर लेता है। ठीक है, जब वो स्वीकार कर लेता है ये कन्फेशन, तो यहां पर क्या आई समझ में कि मजिस्ट्रेट के सामने करा जाए तब तो रेलेवेंट हो रहा है, अन्यथा रेलेवेंट नहीं हो रहा। या क्या मजिस्ट्रेट होना, पुलिस होना कन्फेशन को स्वीकार करने के लिए जरूरी है? क्या नहीं जरूरी? नहीं है, कोई भी आदमी हो सकता है जिसके सामने कन्फेशन हो सकता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहता है कि ऐसे झगड़ा हो गया, मैंने अभी उसको मार दिया, सामान्य आदमी के सामने कन्फेस कर लिया तो उसकी वैल्यू क्या? वो वही वैल्यू है। लेकिन जो बात मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार की थी और मजिस्ट्रेट ने उससे कहा था कि आपको ये स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट ने क्या कहा था? आपको स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी स्वीकार करते तो तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। फिर भी उसने स्वीकार किया तो ये माना जाएगा कि वो बिना किसी भय के, बिना किसी कारण के कुछ चीजों को स्वीकार कर रहा है। सामान्य आदमी से कन्फेशन करने में तो सामान्य आदमी से भी किया जा सकता है कन्फेशन। वो आदमी कह सकता है कि मेरे से इन्होंने कन्फेस किया था ये बात। तो जब सामान्य आदमी से करते हैं तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल, न्याय के दर्शन स्वीकृति। कौन सी? न्याय के तहत एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशरी के बाहर जो कन्फेशन किया गया उसे क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो सेक्शन 24 से महत्वपूर्ण है कि आएगा 101%। 24 में क्या कहा कि कौन सा कन्फेशन रेलेवेंट है और कौन सा नहीं है, इस बात को कहा। सबसे तो पहले कहता है उत्प्रेरणा, उत्प्रेरणा या इंड्यूसमेंट। उत्प्रेरणा या इंड्यूसमेंटों का मतलब होता है मारपीट करना, टॉर्चर करना। यहां पे टॉर्चर करने से मतलब है इसका, किस चीज से मतलब है? टॉर्चर करने से इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे।
दूसरी कहा इन्होंने धमकी मतलब, हाँ थ्रेट, धमकी मतलब या थ्रेट का मतलब इस तरह डरा दिया जिसकी वजह से उसे लगे कि यार सब कुछ बता दो, थ्रेट। और तीसरा कहता है प्रॉमिस, वचन। ये कहता है कि भाई ये जो स्थिति की कन्फेशन है ना वो इरेलेवेंट होती है। कैसी होती है? मारपीट के तो जो जिसने अपराध भी नहीं किया है वो भी स्वीकार कर ले। असली मकसद क्या है? सही जो अपराधी है उसी को निकालना, उसी को दंडित करना। ये तो है नहीं कि बस दंडित करना है किसी को भी कर दो। किस परिस्थिति में अपराध हुआ, क्यों हुआ, क्या वो इन्वॉल्व है या नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमारे जो टाउन है, टाउन का एक बड़ा समृद्ध व्यक्ति, और उसके यहाँ पे वो हो गई, चोरी हो गई। चोरी हो गई तो चोरी का शक उसका उसके अपने आदमी पे गया। तो उसने पहले पूछताछ की, क्योंकि काफी सारी चीजें चुराई हुई थी, तो उसने एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने पूछा, भाई तुमने चुराई? बोले, नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं चुराया। पुलिस ने क्या किया, मारपीट में उसने कहा, हाँ सब मैंने चुराया है। फिर पुलिस ने और ज्यादा पीटा, कला कहाँ है? तो वो थे ही नहीं, तो चुराया ही नहीं। तो लेकिन उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने चुराया।